रही हैं, बीमारियां महामारियों का रूप ले चुकी हैं। बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक किसी के भी शरीर में कोई भी बीमारी तबाही मचा सकती है। और बीमारी उम्र नहीं देखती भैया। आज ही मैं सुबह पूछ रहा था तो एक छोटा सा बच्चा आया, बोले बाबा जी मेरे को हॉजकिंग्स लिम्फोमा। छोटे से बच्चे को, सचिन त्रिपाठी, बोले बाबा 4 साल की उम्र में बाबा जी मेरे को ब्लड कैंसर हो गया। क्या कर? छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर, छोटे छोटे बच्चों की किडनी फेल हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन पर डिपेंडेंट। बोले बाबा जी इसका तो ये पेनक्रियाज काम ही नहीं करता। तो आप लोग, अब मैं थोड़ी सी योग की शिक्षा दे रहा हूं, इस बात को बढ़ाना चारों तरफ बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें गड़बड़ होते ही, अब टीएलसी डीएलसी डब्ल्यूबीसी गड़बड़ आ गया, इसी को क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं? एक बेटा जो मेरे कैंप में आया था 2004 में, उसका नाम था अंकज, सुबह शिविर में था सतना में। बोले बाबा मेरे को तो डॉक्टर ने बोल दिया था अब तो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार कैंसर हो जाए तो वो रिलैप्स होता रहता है, बार बार रिकरेंस होता रहता है, खत्म नहीं होता है। अब बड़े बड़े करोड़पति अरबोंपति देश दुनिया में जो कहते हैं हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, सब कैंसर की भेंट चढ़ रहे हैं। बहुत बुरी बीमारी है, लेकिन प्राणायाम से कैंसर भी अच्छा हो सकता है। तो मैं आपसे कहूंगा, अब मैं कह रहा था छोटी सी चीज है, क्या कि टीएलसी गड़बड़ हो गई, डब्ल्यूबीसी गड़बड़ हो गए, आरबीसी गड़बड़ हो गए, प्लेटलेट गड़बड़ हो गए, तो क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर। अब प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो जाए, एक तो डेंगू आदि से प्लेटलेट कम होते हैं, एक एप्लास्टिक एनेमिया वो ब्लड कैंसर जैसा ही है। एक में प्लेटलेट 3 लाख होने चाहिए, किसी के हो जाते 11 लाख। अब ये भी बीमारी, प्लेटलेट घट गए तो रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर, पूरी बॉडी कोलैप्स कर जाती है, और बढ़ गए तो ब्लड कैंसर। घटे तो मरे, बढ़े तो मरे, क्या करोगे? अब ये छोटी छोटी गड़बड़ चल रही है अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ऊपर से जो खाते पीते हो हार्डवेयर तो ठीक रहते हो, घूमते फिरते हो, तो बॉडी का सॉफ्टवेयर तो प्राणायाम से ही अच्छा होगा। इसलिए आज जितने भी बैठे हो सब संकल्प लेके जाना कि सुबह कुछ भी हो जाए प्राणायाम जरूर करना ही करना है, ये सबका संकल्प होना चाहिए। नहीं तो ये शरीर में, तू कहता बाबा जी कल तक तो ठीक था, ये तो अचानक सब गड़बड़ हो गया। अरे अचानक गड़बड़ नहीं हुआ, भीतर भीतर गड़बड़ हो रहा था। 70-80% गड़बड़ होने पर ही बीमारी का पता लगता है। दरअसल बॉडी ना, इसमें बहुत रेजिस्टेंस है, ये लड़ती रहती है। 70-80% जब तक किडनी खराब नहीं होती पता ही नहीं लगता किडनी फेल हो गई। 70-80-90 कई बार तो 100% जब तक ब्लॉकेज नहीं होता पता ही नहीं लगता कि हार्ट में गड़बड़ी आ गई, आर्टरीज ब्लॉक हो गई है। 70-80% जब तक पेनक्रियाज खराब नहीं होता तब तक पता ही नहीं लगता कि डायबिटीज हो गई है। 70-80% अंदर की नसनाड़ियां जब तक कमजोर नहीं पड़ती तब तक ब्लड प्रेशर डायग्नोज ही नहीं होता है, यह है प्रॉब्लम। अरे भैया 70-80% जब गड़बड़ हो गई फिर तो मामला गड़बड़ है। अब सेना तब जागे जब 70% दुश्मन हमारे भीतर घुस आए सेनाएं, तो फिर देश आजाद रहेगा? बोले बाबा फिर तो गुलामी होगी, यह है बीमारियों को गुलामी। 70-80% तक जब तक बीमारियां अंदर पनपती हैं तब तक शरीर जो है ना लड़ता रहता है। अब मैं ये बड़ा रहस्यपूर्ण रोमांचक है ये शरीर भी, जैसे देश में मैंने कहा ना एक अच्छा नेतृत्व मिल जाए तो फिर देश शिखर पर पहुंचता है। मैंने पूरी दुनिया के उदाहरण दिए, अब मैं देह के उदाहरण दे रहा हूं। छोटी सी गड़बड़ी टीएलसी की, डीएलसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट की, क्रिएटिनिन की, T3, T4, TSH की, प्रोलैक्टिन की, कार्टिसोल की, ACTH की, क्या करना? सुबह उठ करके दो से पांच मिनट तो ये कर लेना, एक एक सेल से लेकर के, एक एक टिश्यू ऑर्गेन से लेकर के,
पूरा सिस्टम रिप्रोडक्टिव ऑक्सीक्रेटरी डॉर्सल स्केलेटन सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक हाइपोथैलेमस ऑटोनोमस सिस्टम भीतर के सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस रहता है। एक प्राणायाम करने मात्र से ये फायदा है इसका। पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक दिशा में चलने लगता है। पूरी दुनिया ऑटोमाइजेशन पर चल रही है ना, ऑटोमाइजेशन पर चल रहा है पूरा तंत्र दुनिया का। अब सैटेलाइट ऊपर घूम रहा है आकाश में, कंट्रोलिंग पॉइंट कहां है? नीचे है। पूरी फैक्ट्री चल रही है एक ही जगह से, कंप्यूटर से उसको डील करते हैं। तो ये तुम्हारा भीतर वाला जो कंप्यूटर है ना, भीतर की फैक्ट्री कहते हैं। तो शरीर में जो कुछ चल रहा है ना, जिस तरह से लीवर काम करता है, ब्रेन काम करता है, इंटेस्टाइन काम करती है, किडनी काम करती है, इस पूरे इसको एक मशीन के रूप में बाहर लगाया जाए तो सैकड़ों किलोमीटर में पूरी पूरे यंत्र लगाने पड़ेंगे। इतना बड़ा नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में बना रखा है इस बॉडी को। मैं बोलता हूं ना, वन सेल इक्वल टू वन बॉडी एंड वन बॉडी इक्वल टू वन यूनिवर्स। इतना रहस्यपूर्ण है, इसको भी जरा समझो। हमारा शरीर कैसे बना? मां का एक ओवम, पिता का एक स्पर्म, स्पर्म ओवम में जाके खत्म हो जाता है, एक सेल बच जाता है मां की कोख में। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह कोशिकाएं तैयार होती हैं, फिर उनसे मल्टीप्लाई होते हैं सेल, फिर उनसे तीन लेयर बनती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। उससे फिर ये पूरा सिस्टम क्रिएट होता है। और फिर एक सेल से अब हमारे शरीर में करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं। अभी भी अब तो स्टेम सेल सिस्टम आ गया है, पहले तो जो है जीनोम के ऊपर बात चली थी, अब तो सेल के ऊपर बात चल रही है। पहले क्लोन के ऊपर बात चली, अब जो है स्टेम सेल के ऊपर चीज चल रही है। अब तो स्टेम सेल थेरापी बहुत फेमस हो गई पूरी दुनिया में। वन सेल इक्वल टू वन बॉडी। आप ऐसे श्वास लेते हो ना, तो एक एक शरीर की कोशिका, ये खाली फेफड़ों तक नहीं रहता है, फेफड़ों से जो है हार्ट, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। तो आपको स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, आई सेल, हार्ट सेल, पूरी बॉडी के सेल्स को एनर्जाइज करना है तो कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, लंबा श्वास लो। सारी दुनिया को भस्त्रिका करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और ये ऋषियों का रास्ता है, ये योग का मार्ग है। इसलिए माना कि पूरी दुनिया ने बहुत समृद्धि की है, लेकिन आज भी पूरी दुनिया को यदि स्वस्थ रहना है तो उसको ऋषियों की शरण में, भारत की शरण में, पतंजलि की शरण में आना पड़ेगा। यही तो है भारत की संस्कृति का चेहरा, यही तो है हमारी ताकत। अब बड़ा इसके लाभ है। आप यदि रोज भस्त्रिका करेंगे तो आपकी स्किन सेल से लेकर के मसल्स, डीप मसल्स, फिर ये पूरे फैट सेल्स, आपकी हड्डियां, नहीं तो सब में गड़बड़ी हो जाती है। आजकल स्किन कैंसर हो रहा है, फिर जो है ये फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, डिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। कहीं पर भी कोई सेल बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लगे, ब्रेक होने लगे, तो यही तो कैंसर है। और इसको बचाने के लिए यही है प्राणायाम। पूरे वर्ल्ड में जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल है, जो मैंने पहली बार ये कहा था कि योग से कैंसर भी अच्छा होता है, अब तो हमारे पास में हजारों उसके प्रमाण है। और हमारे साथ तो एमडी एंडरसन दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल में है, ह्यूस्टन में। वहां के प्रेसिडेंट मेरे से दो बार मिले, फिर उनके साथ में कई बार हमारे ट्रस्टीज की मीटिंग हुई, जो हमारा अमेरिका में ट्रस्ट है उसके। वो बोले, बाबा जी उस एक हॉस्पिटल का बजट इतना है जितना शायद एक स्टेट की गवर्नमेंट का बजट नहीं होता है। बोले, बाबा जी हम आपके साथ में मिलकर के पूरी दुनिया को कैंसर से मुक्त करना चाहते हैं, यदि वो काम सिरे चढ़ता तो आज पूरी दुनिया में कैंसर का डर खत्म हो गया होता, क्योंकि बाबा रामदेव इस काम में इन्वॉल्व हैं। यदि कैंसर फ्री होगी दुनिया तो बाबा रामदेव का नाम हो जाएगा, इसलिए इस काम को नहीं करो। अरे कितने दिन रोकोगे? सच तो एक दिन सामने आएगा। सत्यमेव जयते।